दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है नीरज फौजदार और आप देख रहे हैं द ट्रैवलिंग होटेलियर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं एक रिलीजियस एंड हिस्टोरिक प्लेस, बिठूर। तो बिठूर कानपुर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा नगर है जो एक गंगा किनारे बसा हुआ है। बिठूर कोई मामूली जगह नहीं है, बिठूर कोई मामूली प्लेस नहीं है। इस जगह पे काफ़ी महान हस्तियों ने जन्म लिया है, महान हस्तियों का ये गढ़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ अभी पेशवास मार्ग के सामने, जहाँ पे आपकी एंट्री जो फीस होती है वो 30 रुपीज आपको पर्सन के हिसाब से होती है और 10 रुपये लगता है अगर आपके पास कोई 2-व्हीलर है तो। अगर आपके पास 4-व्हीलर है तो आपके 20 रुपीज आपको चार्ज देना होता है। और आप जैसे ही एंटर करते हैं, आपको एंटर करते ही मिल जाती है रानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति बनी हुई, काफ़ी प्यारी ये मूर्ति बनाई हुई है, मैं दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं अभी नाना पेशवा राव स्मारक में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे पेशवा राव जी की है जो एक मूर्ति बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है। नाना राव पेशवा थे जिनका जन्म 1824 में वेडू में हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अपना जन्म लिया। कहा जाता है कि मनुबाई यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जो भी तलवारबाजी और जो भी इन चीज़ों का जो तलवारबाजी में इन सब निपुण किया था, वो उनकी ट्रेनिंग जो है इसी जगह पे पूरी हुई थी। इसी जगह पे उनको जो है तलवारबाजी और सब सारी विद्याएं आ गई थी। इस प्यारे से स्मारक में ना एक अच्छा सा एक बोटिंग क्लब भी है जिसमें बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और ये कितना प्यारा दिख रहा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये कितना सुंदर दिख रहा है, जिसमें पैडल वाली बोट भी है अगर आपको बोटिंग वगैरह करनी है तो। ये आप देखो, इस पर एक प्यारा सा ब्रिज बनाया हुआ है और ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कितनी शांति महसूस होती है ये आपको आने के बाद ही पता लगेगा। ये घने से जंगल ऐसा लग रहा है मैं कहीं किसी घने से जंगल में हूँ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है। आप अब ये देखिए जरा, यही वो एरिया है जहाँ रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन पला बड़ा था। इसी जगह पे उन्होंने अपनी विद्या निपुण होती यानी कि तलवारबाजी में निपुण हुए थे और इसी जगह पे उनका बचपन गुजरा हुआ, यहीं पे उन्होंने सारी विद्याएं सीखी थी। काफ़ी सारी अच्छी थी, म्यूजियम था, म्यूजियम में हालांकि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। उसमें कुछ पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें लगाई गई हैं जिसमें टिकट्स वगैरह, करेंसी वगैरह एंड कुछ वेपन्स जिसमें बंदूकें वगैरह जो उस टाइम पे सेना वगैरह तलवार वगैरह यूज करती थी, वो संग्रहालय में रखी हुई हैं। बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती नहीं हैं। ओवरऑल मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर करा ही दिया है जितना कुछ था। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं लवकुश, यानी कि वो सीता जी माला आश्रम, जहाँ पर माता सीता जी का वनवास कटा था यानी कि लवकुश जी का जन्म हुआ था। अब वहाँ चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा हमें टाइम लग जाएगा और वैसे भी काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, मैं अभी महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुंच गया हूं और ये अभी उसी ज़्यादा दूर नहीं है वहां से, 1 किलोमीटर की रेंज में ये पड़ जाता है। आप मेरे पीछे अभी देख पा रहे होंगे, ये एक अश्वमेघ घोड़ा और ये जो लवकुश और हनुमान जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, जहाँ पर लवकुश ने हनुमान जी को बंदी बनाया हुआ है। तो ये आपको भी पता है कि लवकुश जी ने जब अश्वमेघ यज्ञ हुआ था तो भगवान राम ने अश्वमेघ घोड़े को जो है छोड़ा था और जिसको लवकुश ने पकड़ा था वो यहीं पे पकड़ा था। तो ये वो आश्रम है जहाँ पे लवकुश जी का जन्म हुआ था, महर्षि वाल्मीकि आश्रम के नाम से इस आश्रम को जाना जाता है। और इस आश्रम में ही
महर्षि वाल्मीकि जी ने जो है रामायण की रचना की थी, उन्होंने रामायण को लिखा था, वो यहीं लिखा था। और काफ़ी सुंदर यह आश्रम बनाया गया, हालांकि उसको 19वीं शताब्दी में बाजीराव पेशवा जी ने इसमें मंदिर का निर्माण करवा दिया था। तो आप जो मेरे जस्ट पीछे देख रहे हैं वो है सीता की रसोई, जहाँ पे सीता माता जो है अपना खाना वगैरह बनाती थी, या इस रसोई को वो लोग जो अपने लिए यूज करती थी। तो ये वो एरिया है, यानी कि यहाँ पे अभी इसको काफ़ी तरह अच्छी तरह से निर्माण करवा दिया गया है, काफ़ी पुराना है, तो इस अवस्था में ये दिखाई देता है। मैं अब आपको दिखाता हूँ जहाँ पे महाकवि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, यानी कि रामायण को जो लिखा था, वो एरिया ये है। आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ बैठ के इस जगह पे बैठ के वाल्मीकि जी ने जो है रामायण की रचना की थी, रामायण को लिखा था, महाकाव्य या रामायण उसकी रचना की गई थी। और इसमें अभी आप देखेंगे जो वाल्मीकि जी की प्रतिमा बनाई हुई है यहाँ पे, आज उनकी आज भी पूजा अर्चना होती है। तो ये यहाँ पे शिवलिंग है एक, और शिवलिंग के आगे यहाँ पे जो है वाल्मीकि जी की एक प्रतिमा बनाई हुई है। तो गाइस, कितनी अच्छी नॉलेज मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपने कभी, आपको पता भी नहीं होगा कि कहीं पे ऐसा एक प्लेस है अपने ही पास में जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें मेरी वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे यहाँ। गाइस, इमेजिन कोई, आप कैसा लगता है आपको यहाँ इस जगह पे बैठ के वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, आज मैं वहाँ पे खड़ा, हिंदू होने के नाते मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अभी खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे रामायण की रचना महाकवि वाल्मीकि जी ने की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त होगा, बट यकीन मानिए आज मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। यानी कि मुझे, मैं अभी इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी स्पीचलेस हूँ करता हूँ। आप देखिए, आप ये बस इतने से प्रांगण को है जो है अभी तो आश्रम में तब्दील कर दिया गया है, बाकी आप अगर देखेंगे तो पूरा एकदम जंगल की तरह दिखाई देता है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो पूरा एक जंगल टाइप में दिखाई देता है, तो उस टाइम पे भी एक जंगल ही हुआ करता था, ये आज से काफी साल पहले की बात है। दुर्गानंद जी, और आप यहाँ पे यहाँ सेवा करते हैं, साफ सफाई, पूजा आरती। अच्छा, पूजा आरती वगैरह आप ही करते हैं जी। तो ये एरिया जिसको अभी कब बनाया गया था वैसे? ये 1730 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था, रिपेयर हुआ था, पूरा रिपेयर करवाया गया था। ये मंदिर बाद में बनाया, पहले नहीं था? नहीं, पहले था, पहले कच्चा टाइप में था। अब समय के अनुसार की रसोई बनी हुई है जी, ये सब बना था, जितना आप देख रहे हैं टोटल ये बना था, लेकिन अब समय के अनुसार जीर्णोद्धार होता रहता है। ठीक है, अगर जीर्णोद्धार न होता तो आज हम लोग जानते होते थे यार? सही बात है, क्योंकि आज की बात थोड़ी 9,80,064 वर्ष पुरानी घटना है। करेक्ट, है ना, तो हम लोग क्या जानते होते। अगर बताएंगे इसके बारे में, ये वाल्मीकि जी का आश्रम है जहाँ पे रामायण की रचना की थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस पेड़ के नीचे वाल्मीकि जी बैठ के वो मरा 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 कर जाप किए थे। तो इस पेड़ की विशेषता ये है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े उतारते हैं और नए पहनते, वैसे देखो ध्यान से, ये देखो ऊपर का पूरा फेस खत्म हो रहा है, अंदर देखो फिर से नया तैयार हो रहा है। जंगल था इस पेड़ का। okay. और यहाँ पे जो है मुख्य स्थान जो है केवल चार स्थान है जिसके द्वारा लोग आते हैं। पहला स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है, दूसरा स्थान रूपटेला है, तीसरे ये वाल्मीकि मुनि का आश्रम है जहाँ पे रामायण लिखी है, चौथा नीचे गेट के पास है लवकुश जन्म है भूमि जहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ था, और वहीं हनुमान जी को बांध लाए थे लव और को। अच्छा, इसी में से पूरी रामायण लिखी है? हाँ, इसी से पूरा इन्होंने विस्तार से किया है, पूरे 24,000 श्लोक तैयार किए इसी में से। जैसा कि इन्होंने अभी आपको बताया था कि ये जो अभी आप पिलर देख रहे हैं मेरे पीछे, इस पे 100 श्लोक लिखे हुए हैं जो वाल्मीकि जी ने लिखे थे, और इन्हीं 100 श्लोकों में से पूरी रामायण की रचना की गई थी, यानी कि इन्हीं 100 श्लोकों में से सारे श्लोक बने हैं और उन्हीं के बेस पे पूरी रामायण की रचना करी गई थी। आप अभी जो जगह देख रहे हैं ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पे सीता माता ने अपने आप को धरती को समर्पित कर दिया था, यानी कि उनकी समाधि है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक कुआं इसी आश्रम में बनाया हुआ है, जिसको हालांकि अभी बंद कर दिया गया है, ये अभी ओपन तो नहीं है, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वो कुआं है और फिलहाल ये अभी बंद है। पानी इसमें हम लोग देख सकते हैं काफ़ी गहरा है, उसमें पानी भी है और इसमें ये लगा हुआ है। बाकी मैं आपको एक सराउंडिंग एरिया दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आश्रम का सराउंडिंग एरिया है, क्या खूब ये नज़ारा है, यानी कि पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और ये जो आपको अभी मैं बता ही चुका हूँ पिछली बार, मैंने आपको आपको अभी बताया ही था, ये पिलर है यानी कि जो बनाया हुआ है, इसमें
दीप जलाए जाते हैं, यानी कि 365 दीप इसमें एक बार में जलाए जाते हैं। पूरे साल का जो है दीपक इसमें जलाया जा सकता है एक ही बार में, और 7 बार घूम के इसके ऊपर पहुंचा जाता है। फिलहाल ये जर्जर अवस्था में होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है, ऊपर आप जा नहीं सकते हैं, इसकी मरम्मत हुई नहीं है, तो अभी सरकार ने इसको बंद करके रखा है, ऊपर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती है। जैसे कि उन्होंने बताया आज से 8-9 लाख वर्ष पहले की बात है, तो उस टाइम पे तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं करता था, सिर्फ एक जंगल होता था, जंगल में एक झोपड़ी टाइप में कुछ डाल के, यानी कि कुटी, यानी कि कुटिया बना के लोग रहा करते थे, जैसे कि आपने रामानंद सागर की रामायण में भी देखा हुआ था, उस टाइप का हुआ करता था, ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। इसको तो जो है अभी पुनर्निर्माण करवा दिया गया, यहाँ पे आश्रम बनवा दिया गया, एक टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे चीज़ें भी चेंज होती हैं। सो यही होता है एक जब आप किसी धर्म से जुड़े होते हो, आप किसी चीज़ से जुड़े होते हो, और जब आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, आपके दिल को काफ़ी सुकून मिलता है। तो अभी चलते हैं मंदिर, और मंदिर में जाके मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर भी कुछ। तो दोस्तों अभी मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूँ वो एरिया है जहाँ पे माता सीता ने लवकुश जी को जन्म दिया था, और इसी जगह पे लवकुश का जन्म हुआ था, और इसी जगह पे जो है लवकुश जी ने श्री हनुमान जी को बंदी बना के रखा था। तो जिस एरिया में वो खड़ा हुआ हूँ मैं, आप सोचिए वो कितना होली प्लेस है, और यहाँ पे अभी जो है इसका पुनर्निर्माण यानी जीर्णोद्वार करवाया गया है, अभी इसको एक अच्छे मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा था माता सीता जी की और लवकुश जी की प्रतिमा जिनका मंदिर बना हुआ है, और उनके जस्ट अपोजिट उसके जस्ट साइड में और हनुमान जी का दक्षिण मुखी एक मंदिर बनाया गया है। कुछ एक्सप्लोर कराया तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, और कुछ ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। तो गाइज मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।